आज कुत्ते की तरह भौंक रहा है कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो। अरे तुम्हारे बाप ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, पीवी नरसिम्हा राव ने उस दंगल प्रस्ताव पर साइन किया था, आप कुत्ते की तरह भौंक कर लोगों को गुमराह कर रहे हो। और अंत भक्त क्या कह रहे थे कि थाली बजाने से शोर उत्पन्न होगा, उसकी किरणें ध्वनि उत्पन्न होगी और फिर कोरोना के कीटाणु से टकराएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा। जय मोदी, जय मोदी, ये कह रहे थे। लाइट बंद करो, बिजली की लाइट बंद कर दो, बल्ब बंद कर दो, ट्यूबलाइट बंद कर दो और दिया जलाओ। कोरोना का कीटाणु घूमता घूमता जो लाइट नहीं नजर आएगी, दिए के पास आएगी, तो वो कोरोना का कीटाणु दिए से जल जाएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा, देश बच जाएगा। वाह खत्म क्या। और कोरोना को खत्म करने के लिए मोदी जी के, वो कह रहे हमने लॉकडाउन कर दिया। अरे काय का लॉकडाउन, लॉकडाउन लागू कर दिया, जहां मिले वही पुलिस वाला ठोक दे। तो कहता था काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। अरे कहां है काला धन। आज पूरा देश बोल रहा है, पूरा किसान बोल रहा है कि ये मोदी सरकार, ये अडानी और अमानी, ये देश के दुश्मन है। आज वो कह रहे हैं हमने पहले ही कहा था कि ये लालच देंगे, लालच देकर हमारा शोषण करेंगे। अभी मेरा साथी बता रहा था कि जियो की सिम, राशन कार्ड, आधार कार्ड पर दे दी फ्री में, और सारे लोगों ने अपना नंबर ही बदल लिया। फोन मिलाते आके फोन स्विच ऑफ आता है, क्यों कि साथ में मोबाइल दे दिया 200 रुपए में, साथ में सिम दे दी। आज वो मोबाइल भी गायब है, वो सिम भी गायब हो रही है, ये और उसके साथ गायब हो रहे हैं। जो वो कहते थे वोडाफोन का कुत्ता जो विज्ञापन करता था, वो वोडाफोन बिक गया, वो सारी कंपनियां एयरसेल बिक गई, वो आपके हच बिक गया, कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। क्यों, हम फरी के चक्कर में आ गए, फरी के चक्कर में। ये देखो ये विज्ञापन लिखा है, 4 खरीदोगे एक फरी में मिलेगा। अब अपने चलेंगे फरी के चक्कर में, और ये फरी के चक्कर में सारा हिंदुस्तान बेच के चले जाएंगे। ये है अंबानी ग्रुप, इसके जो मालिक है उसने हमेशा ठगी से काम किया है, और आज पूरे देश के अंदर वही काम वो कर रहा है। इसलिए साथियों समझ जाओ, ये भाषण की बात नहीं है, ये अपने देश के स्वाभिमान की बात है। जो बात 1991 में इसी तरह जेल भरो आंदोलन के दौरान हमारे कॉमरेड शौकत सिंह ने कही थी कि ये जो सरकारें जो नीतियां लेके आ रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव और उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो देश को ये समझा रहे थे कि ये नीतियां हिंदुस्तान के पक्ष में है, सस्ती मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, पूरी दुनिया का व्यापार खुल जाएगा। हमने उस वक्त विरोध किया, और विरोध किया तो लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया में जहां कम्युनिस्ट शासन है, जिसका मॉडल चीन को बताया कि चीन ने दंगल प्रस्ताव पर साइन कर दिए हैं, तो हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट इसका विरोध क्यों कर रहा है। हमारे नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उस वक्त देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मीडिया को यह बात बताई कि चाइना का स्ट्रक्चर नीचे से तैयार है, उसकी बहुत फैक्ट्रियां है, बहुत मजदूर काम करते हैं, वो नीचे के जो कच्चा माल है वो अपने खुद तैयार करता है, इसलिए वो मुकाबला कर लेगा। लेकिन हिंदुस्तान अभी बन रहा है, हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां बन रही है, हिंदुस्तान अपने अभी निर्माण में नहीं उतरा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और वो बात आज सही साबित हुई कि आज चाइना का माल का मुकाबला अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है, और यहाँ के स्वदेशी जागरण मंच आज कुत्ते की तरह भौंक रहा है कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो। अरे तुम्हारे बाप ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, पीवी नरसिम्हा राव ने उस दंगल प्रस्ताव पर साइन किया था, आप कुत्ते की तरह भौंक कर लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप लोगों को गलत बातें कर रहे हो कि आप चाइना का विरोध करो, अमेरिका के माल का विरोध करो। अरे कैसे कर सकते हो, आपने विदेश नीति के अंतर्गत उस प्रस्ताव पर साइन किया है कि पूरी दुनिया के लिए ये बाजार हिंदुस्तान खुला है,
आज उसी के बात को लेकर आप विरोध कर रहे हो। आप विरोध करना तो विदेश नीति से पीछे हटिए और ये घोषणा कीजिए स्वदेशी ओकल बोकल लोकल नहीं चलेगा। मोदी जी अभी भाषण दिया था, आपको याद होगा क्या भाषण दिया था कि लोकल लाएंगे। अब उनके अंधभक्त निकल गए कि लोकल 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 चलो लोकल चलो, चाइना का बहिष्कार करो। अरे लोकल, ये रिलायंस तो लोकल है लेकिन लूट रहा है ना। हम लूट की व्यवस्था के खिलाफ हैं। भाषण नहीं, उस विदेश नीति से पीछे हटिए। सरकार यह घोषणा करे कि हम विदेशी माल को नहीं आने देंगे, हम उस डंकल प्रस्ताव को नहीं मानते हैं, हम उस उदारीकरण नीतियों को नहीं मानते हैं। ये सरकार का काम है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको ये घोषणा करनी चाहिए लेकिन वो नहीं कर रही है। आज ये सारे इतिहास की बातें इसलिए अपने कर रहे हैं कि उस वक्त भी कॉमरेड मलकीत सिंह जी आज हमारे बीच में है, वो अच्छी तरह से हमें याद था। वो सेंट्रल जेल जो अपने जंक्शन में है गिरफ्तारियां दी थी, कॉमरेड सोपर सिंह ने भाषण दिया था कि ये निजीकरण का दौर ये खतरनाक है। आप जो ये अंकल चिप्स खा रहे हैं ये भी पेप्सी बनाती है, आप देखना। आलू अपना, नमक अपना, लिफाफा अपना और खाने वाले भी अपने, फायदा जाएगा विदेश के अंदर। ये है नीतियों का विरोध। इसलिए साथियों आज हम किसान के समर्थन में आए हैं। अब उसकी किसान अध्यादेशों की अपने बात करते हैं। ये इतिहास से इसलिए शुरू किया मैंने क्योंकि मुझे वो दिन याद आ गए कि यहाँ से हम चले थे पुलिस के घेरे के अंदर और घेरे के अंदर गए थे जेल के अंदर, और ये कहते हुए कि नीतियों का हम विरोध करते हैं। और आज फिर हम हैं, फिर रिलायंस का मॉल है, जेल की जगह ये मॉल आ गया और मॉल के आगे इसका विरोध क्यों है ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों जब लॉकडाउन लगा था और सारा देश, हर गांव का नागरिक देश के प्रधानमंत्री की घोषणा पर घर पर था, और आप में से कुछ लोग, इस देश के बड़े संख्या में लोग क्या कर रहे थे, थाली बजा रहे थे। आज थाली बजाने वाले सड़क पर बैठ गए, कोई दिया जला रहा था, कोई पटाखा चला रहा था, और अंधभक्त क्या कह रहे थे कि थाली बजाने से शोर उत्पन्न होगा, उसकी किरणें ध्वनि उत्पन्न होगी और फिर कोरोना के कीटाणु से टकराएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा, जय मोदी जय मोदी, ये कर रहे थे। कोरोना खत्म हुआ, ज्यादा हो गया, 567 से 500,000 हो गया, ध्वनि पैदा होगी, फिर कहा लाइट बंद करो, बिजली की लाइट बंद कर दो, बल्ब बंद कर दो, ट्यूबलाइट बंद कर दो और दिया जलाओ, कोरोना का कीटाणु घूमता घूमता जो लाइट नहीं नजर आएगी, दिए के पास आएगी तो वो कोरोना का कीटाणु दिए से जल जाएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा, देश बच जाएगा। वह खत्म क्या, ये अंधभक्त कहानियां चला रहे थे, ऐसी कहानियां जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। और कोरोना को खत्म करने के लिए मोदी जी के, वो कह रहे हमने लॉकडाउन कर दिया। अरे काय का लॉकडाउन, लॉकडाउन लागू कर दिया, जहां मिले वो पुलिस वाला ठोक दे। आधे से ज्यादा हनुमानगढ़ कूटा गया, कोरोना फिर भी खत्म नहीं हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री को हमने प्रधानमंत्री बनाया है जो कहता था काला धन लाऊंगा काला धन लाऊंगा। अरे कहा है काला धन, खाते में 15,00,000 आ जाएंगे, 15,00,000 आ जाएंगे आए। अभी वो कह रहा सवेरे से कि किसानों की आय दुगनी हो गई, किसानों की आय दुगनी हो गई। और कहां से हो गई, किसान तो वहां बैठा है। मेरे साथी कह रहे थे कि पहली बार हो रहा है कि सरकार कह रही है हम किसानों का फायदा कर रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि हाथा थोड़ी काम है, मारो फायदो ना करो थे। अरे कमाल है, ऐसा मूर्खों का शासन, ऐसी उनको बहुमत,
लोग कहते हैं लोगों ने वोट नहीं दिए, तो किसने दिए? कह जी मशीन के आ गए, इसलिए ये कर रहा है ईवीएम मशीन के अभी।